डिंग डिंग। क्या किसी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम इस कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदल सकते हो हथौड़ी? वो बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताइए कि इस कमरे को बदलना क्यों चाहते हैं? वो असल में आज दोपहर को मेरे पुराने टीचर मुझसे यहाँ मिलने आने वाले हैं। क्या कहा, आपके स्कूल टीचर मिलने आ रहे हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन उनके आने के लिए हम अपने कमरे को क्यों बदलें पापा? कोई बात सर, सोचते हैं कि अगर ये ट्रेडिशनल कमरे जैसा नहीं है तो उन्हें यहाँ घर जैसा नहीं लगेगा। क्या है ना कि वो पूरी तरह से देसी इंसान है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो इस घर में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना? बिल्कुल सही कहा, इसलिए प्लीज हथौड़ी कुछ करो ना। कोशिश करके देखता हूँ पापा, क्या हो सकता है। कमरे की काया पलट करने की हथौड़ी की निंजा टेक्निक। आखिरकार इस घर का हुलिया बदल गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है आइडिया। कोइबा सर एक महान स्पीयर मैन है, उनके साथ एक एक हाथ करने के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, अगर ऐसा है फिर तो बड़ा मजा आएगा पापा। अच्छा सुनिए, आपके ऑफिस से किसी का फोन आया है। हेलो, क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, आज तो आपने ऑफिस से छुट्टी ली थी ना? हाँ छुट्टी तो ली थी, लेकिन ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा, क्या करूँ। मैं चलता हूँ, तुम लोग कोइबा सर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन वो दिखने में कैसे लगते हैं, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वो बिल्कुल बूढ़े हैं, और हाँ कभी कभी वो बहुत जोर जोर से छींके मारते हैं। छींक मारने वाले सर। हाँ, कोई तो आया है। टेनी जी जरा प्लीज जाकर देखना कौन आया है। ठीक है मम्मी। आप कौन है, अंदर आ जाओ। आपका नाम क्या है बताइए। कोइबा, मुझे नहीं जानते क्या? क्या आप कोइबा सर है? हाँ बिल्कुल सही पहचान आपकी। जरा एक मिनट यहीं रुकिए। वो आ गए। तुम किसकी बात कर रहे हो कैनिची, कौन आ गया? कोइबा सर यहाँ आ गए हैं हथौड़ी। क्या कहा, वो इतनी जल्दी आ गए? लेकिन पापा ने तो इनके बारे में कुछ और ही बताया था, ये तो बिल्कुल डिस्को स्टाइल है। DISCO डिस्को। हाँ? दिखने में तो अलग है लेकिन चीक वही धमाकेदार है। हमारे घर में आपका बहुत स्वागत है सर, मेरी आपसे पहली बार ही मुलाकात हो रही है। हाय। हम सब बेसब्री से आपका ही इंतजार कर रहे थे, प्लीज बाहर मत खड़े रहिए, अंदर आ जाइए। या डिस्को, ठीक है। हम इस तरफ आ जाइए सर। One, two, yeah. हमारे घर में आपका स्वागत है। ये क्या? पहले ये तो बताइए कि आप कैसे हैं कोइबा सर? यहाँ पर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है क्या? मुझे तो ये म्यूजियम लग रहा है। म्यूजियम लग रहा है? यहाँ पे चारों तरफ बस पुरानी चीजें हैं, ना ही लाइट्स हैं, ना कलर्स हैं, कुछ भी झगमग झगमग नहीं है। मतलब आपको ये घर पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं, मुझे इस तरह का सूना माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा उल्टा हो चुका है, अब हम क्या करें? जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, हमें अपने घर को इनकी पसंद के हिसाब से ही बदलना होगा। ये आप भी मेरे साथ ठुमके लगाइए। ये जरा रुकिए, कुछ देर के लिए आप बाहर जाएंगे, हमें इस घर में कुछ चेंजेस करने हैं। प्लीज घर बदलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब बताइए आपको हमारा घर कैसा लगा? ओके चलो चिल्लर पार्टी शुरू हो जाओ, अब करेंगे तागड़धिन्ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। ये क्या, तुम उंतरु फुंतरु ड्रेस वाला के बेटे हो क्या? वो असल में बात क्या है कि मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ। बड़े अजीब हो, तो तुमने मास्क भी पहना है क्या? क्या ये मेरा असली चेहरा है? आप इसे खींचने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? हथौड़ी क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, पापा की इज्जत का सवाल है। तुम सही कह रहे हो कैनिची। समझ में नहीं आता मेरी शक्ल से इनका क्या लेना देना है,
डिंग डिंग, ये क्या है? ऐसे बालों में तो मैं मुर्गा लग रहा हूँ। इसमें तो मैं लड़की जैसा लग रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? ये चाचा चा, ये काका का, ये मामा मामा। डिंग डिंग, ये अरे हथौड़ी, वहाँ तुम हो क्या? यहाँ आ भी जाओ, शर्माओ मत हथौड़ी, हमारे साथ डिस्को करो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, रहने दो। पहले मैं आप तो कमाल दिख रहे हो। बहुत ही बढ़िया। अरे आप लोग सच कह रहे हैं क्या? ना, तुम्हारा बोलने का तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल पुराने जमाने की तरह बोलते हो। लेकिन सर मैं तो ये सब जाने दो, अब हम मिलकर डांस करते हैं। डिस्को, ये चा चा चा, ये पा पा पा, कोई बात कोई बात नहीं, डांस आए या ना आए करना चाहिए। सर अभी और कितनी देर डांस करना पड़ेगा हम सबको? सर बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहो तो मुझे सन की कहो, सन की। ये आप पर सूट करता है। मैं एक बात कहूँ सर, अगर हम सब मिलकर डांस की बजाय कुछ और करें तो कैसा रहेगा बताइए? तो तुम्हारा मतलब है स्केटबोर्ड? क्या कहा, स्केटबोर्ड? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक है, तो फिर विंड सर्फिंग करें क्या? क्या कहा, विंड सर्फिंग? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे अच्छा होगा कि हम सब लोग मिलकर स्पीयरमैनशिप कर लें। भाले? अगर रिमोट से भाले चले तो वाह वाह, क्या बात। क्या कहा? रुकिए सर, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी आया। देखिए मिस्टर सन की, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। अच्छा, ये है, इसे तो मैंने बचपन में बहुत चलाया है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलिए हम निशाना लगाते हैं। ये लो बच्चा, जरा ठीक से पकड़ना है। ये क्या, ये तो कितनी अजीब सी बात कर रहे हैं। चलो हो जाए डिस्को, बाकी सब खिसको। ओके। म्यूजिक चला दिया, कोई बात नहीं। कोई बात। चलिए अब डांस करना बंद कर दीजिए और मैदान में आ जाइए। ये क्या हो गया? चलो अब तुम्हारी बारी है। मतलब अब मुझे भी यही नौटंकी करनी पड़ेगी? कोई बात नहीं, इसे इस तरह से करते है ना। ये देखिए हो गया। ये क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब मैं और भी जबरदस्त करके दिखाऊंगा। अमक्का, कोई बात कोई बात। बहुत बढ़िया आशा, आपने तो कमाल कर दिया। मौत आ गई। आप ठीक तो है ना मिस्टर सन की? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पापा भी आ रहे हैं। मैं बहुत लेट हो गया कोयबा सर, बहुत गुस्सा। माफ कीजिए सर। अरे कोयबा सर, आप क्या बात है, आज भी तुम हमेशा की तरह सर पर भाग रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एकदम पुराने स्टाइल में रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा घर बहुत पसंद आएगा। तो चलिए सर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा घर देखें। ठीक है, मैं भी तुम्हारा घर देखने के लिए बेकरार हूँ। आपको बस जरा सी चोट आई है, अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फिर से चाचा चाची करने को तैयार। अरे अब तो पापा के आने का भी समय हो गया है, चलिए आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए कोयबा सर। क्या कहा, कोयबा सर? ये देखो मेरा कार्ड। अरे ये क्या, चेयरमैन सीनियर सिटीजन डिस्को क्लब मिस्टर डिस्को सन की? तो आप मिस्टर कोयबा नहीं है क्या? बिल्कुल सही, लोग मुझे प्यार से डिस्को सन की बुलाते हैं। मैंने सुना है यहाँ किसी घर में कोई डिस्को पार्टी चल रही है, इसलिए चला आया। ओह नो, ये मिस्टर मित्सुबा का घर है। आइए कोयबा सर, ये है मेरा घर, मैं आ गया। वन टू चा चा चा। ये कार्टून कौन था? तुम्हें अचानक क्या हो गया मित्सुबा? अरे ये किस टाइप की फैमिली है, तुमने तो कुछ और ही कहा था। क्या मुसीबत है, क्या सोचा था और क्या हो गया। डिंग डिंग।